नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 से शुरू होने वाली कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट योजना की समीक्षा के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से जुड़कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड-19 वैक्सीनेशन की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी। डॉक्टर वीके पॉल, सदस्य स्वास्थ्य नीति आयोग, ने सदन को बताया कि दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत है, सुरक्षित और प्रतिरक्षात्मक है। उन्होंने बताया कि इन वैक्सीन को विकसित करने के दौरान विश्व स्तर पर पालन किए जाने वाले सभी मापदंडों का पालन किया गया है और ये वैक्सीन सुरक्षित हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन के विस्तृत कार्यक्रम की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि दो खुराक 28 दिन के अंतराल पर दी जाएगी। उन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि सभी तरह की सावधानियां बरतनी आवश्यक है, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने में कुछ समय लगेगा। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि पहले और दूसरे चरण में लगभग 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर किया जाएगा और सभी खर्चों को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पहले दो चरणों में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के 60% टीकाकरण को पूरा करने के बाद भविष्य की रणनीतियों के लिए सभी राज्यों के साथ एक बार फिर समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को कोविन विकसित किया है, जिस पर प्रत्येक लाभार्थी और वैक्सीन को रियल टाइम डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को QR कोड के साथ एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट।